आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उस टॉपिक के बारे में हम सभी अवेयर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही के चलते हम उसके जान से में फंसते जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ साइबर क्राइम की। साइबर फ्रॉड आए दिन हम खबर में भी सुनते हैं और ऐसे भी देखते हैं कि कई सारे लोग जो है इसके शिकार हो जाते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन में कई दिनों से या कई बार ऐसा मैसेज आया होगा कि आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, अदरवाइज आपकी 24 घंटे में से बंद हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपको केस बताना चाहूँगी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे जियो कस्टमर से एक मैसेज आता है, कॉल भी आती है, उसमें मैसेज आता है कि आपकी 24 घंटे के अंदर सिम जो है वो बंद हो जाएगी। ऐसे में आप लोगों को भी अगर ऐसा एक मैसेज आएगा तो आप लोग क्या करोगे? कहीं ना कहीं डर जाओगे कि हमारी सिम 24 घंटे के अंदर ब्लॉक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। आप कहीं ना कहीं उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं उस नंबर पे कॉल करोगे और जो आगे से डिटेल मांगेंगे तो वो डिटेल जो है आप डर के मारे दे भी सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, इसलिए आप अपने जो आपके आइडेंटिफिकेशन है वो उनके साथ शेयर करोगे। तो ऐसे में क्या नुकसान आपको हो सकता है वो आपको मैं बता दूं कि आपको अगर किसी भी नंबर से कॉल आता है, आपको ये बताया जाता है कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, तो आप इस पर यकीन नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता आपने रिचार्ज किया हुआ, उसके लिए आपको मैसेज आता है, ना कि आपको कॉल करनी होती है कि आपको इस नंबर पर कॉल करनी है तो आपको डिटेल्स मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मैसेज आता है, अगर आपने रिचार्ज नहीं किया, तो आप इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी मैसेज आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि आपको इन नंबरों पर कॉल करनी है और आपकी जो 24 घंटे के अंदर सिम बंद होनी है वो नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो इन चीज़ों का शिकार हो चुके हैं या क्या पता होने भी वाले हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको आपके फ़ोन में कोई भी मैसेज आता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो आपको अगर अकाउंट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा जो है, जो भी जिन पे भी आपने अपना अकाउंट खोला होगा वहाँ पे जाके कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अपनी ऑनलाइन डिटेल आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इसका आपको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, एक फ्रॉड जो है लोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते होंगे, आपके फ़ोन पर टेक्स्ट आते होंगे कि आपका लोन अप्रूव हो गया है और कुछ पैसों में आप अपना लोन जो है 5 से 6 लाख तक का ले सकते हैं। ऐसे में आपके साथ किस तरह का फ्रॉड होने वाला है या हो सकता है उसको लेकर भी आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, आपके फ़ोन में कई बार मेल आया होगा और ये भी बताया होगा कि 55,000 रुपये या 50,000 रुपये या 50 लाख रुपये आपको लोन मिल सकता है और ये लोन सक्सेसफुल जो है हो चुका है। इसके लिए कुछ आपको रजिस्टर करना है और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है उसमें आप लोग जरूर जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी को पैसे की ज़रूरत रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब ऐसा मैसेज जब आता है तो आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जा गई है, भगवान ने कहीं ना कहीं कुछ कृपा कर दी होगी इसलिए हमें ऐसा मैसेज आया और क्या पता हमारी इससे मदद हो सके। आपको इस चीज़ से सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे मैसेजेस पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे कि आप 10 या 20,000 रुपये हमें दे दीजिए, हम आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन दे देंगे। ऐसे में हम लालच में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं हम अपनी डिटेल्स दे देंगे और उनके अकाउंट में, कई लोगों ने ऐसा किया भी है और ऐसे केसेस भी आप लोगों के सामने भी हम लोगों ने लाए होंगे कि इस तरह का फ्रॉड जो है हो रहा है। जब आप ऐसे करेंगे और जब आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे उसके बाद वो फ़ोन नंबर भी बंद आएगा, ऐसा एक किस्सा जो है वो हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि साइबर फ्रॉड जिस तरह से हो रहे हैं, आप लोगों को ज़रूरत है तो अवेयर होने के। आपके फ़ोन में कोई भी मैसेज या कॉल आता है उसको लेकर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन के साथ या हमारे अकाउंट के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड से आप बचिए। तो अगर ऐसा आपके साथ कुछ होता है ऑनलाइन फ्रॉड की जान से, मगर आप फंसने वाले हैं, अगर आपको कभी कॉल भी आ जाती है, आप कॉल अटेंड भी कर देती है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल और OTP, अगर आपके खास तौर से आपको बोला जाएगा कि अपने फ़ोन पे आपके 4 डिजिट का या 6 डिजिट का OTP आ रहा है, तो आपको उसे इग्नोर करना है। आपको पता लग जाएगा कि ये जो बंदा है फ्रॉड करा है, क्योंकि कोई भी अकाउंट, कोई भी, आपको बता दें बैंक शाखा की बात की जाए या अपने जियो की बात की जाए, तो कोई भी OTP नहीं मांगता, किसी को आपने अपना OTP नहीं देना। अगर आपने रिचार्ज करना तो उसके लिए OTP आपके फ़ोन पे आता है और वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई जो है वो कर लेता है। तो इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल आ रही है जिसमें आपकी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात हो रही है, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कतई शेयर नहीं करनी और ऐसे मैसेज से आपको दूर रहना है जिसमें बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर आपकी कॉल जो है वो नहीं लगेगी, आपकी सिम जो है ब्लॉक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जब सिम निकाली, आपने पूरी वेरिफिकेशन देकर अपनी सिम जो है आपके पास आई है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ भी शेयर ना करें।
अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग वाइब्स।